ये वो घर पे रात 9-10 बजे तो घर पे सोई थी कमरे में जी। उसके बाद उसे रेप करके उसके बाद उसे नाद में डाल दिया गया, जो भैंसों की चारा फाड़ा होता है उसमें डाल दिया गया जी। सुबह लोगों ने देखा तब मालूम पड़ा। तो ये कैसे मानते हैं आप लोग के रेप हुआ है? नहीं, उसके चोट के निशान है, उसके निशान है उसके प्राइवेट पार्ट पर। जी प्राइवेट पार्ट पर जी। कितनी बड़ी बच्ची थी? 4 साल बच्ची है, मासूम बच्ची है। पढ़ती थी बता रहे सरकारी स्कूल? हाँ स्कूल में जाती थी। कौन सी प्राइमरी है? हमारे यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है। किस क्लास की? किस क्लास? पहली क्लास में। तो यहाँ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है इस घटना को लेकर? नहीं नहीं सर, ऐसे मालूम पड़ रही नहीं इस चीज़ को। तो अभी तो पता लग पाया कौन? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं पता लगा, लेकिन जांच होगी तो मालूम पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं। पुलिस अधिकारी मौके पर आ गए? सब है, सीओ साहब है, कप्तान साहब भी आए हैं यहाँ पर, और इंस्पेक्टर साहब भी हैं, सब लोग आए हैं, हमारे पत्रकार महोदय भी सब लोग आए हैं यहाँ पर। थैंक यू। देखिए पिपरा गाँव में निगरली गला में सुबह रिपोर्ट हुआ है कि एक लड़की है जिसका नाम अयोध्या है, डॉक्टर ऑफ कॉलेज। ये इनका बता रहे हैं कि रात के टाइम पर एक डेड बॉडी यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग में मिली थी जी। और उसमें चोट के निशान हैं, तो बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है जी। अब आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत करके टीम्स बना दी गई हैं और आगे इसमें अभी कार्रवाई की है। रेप के बाद हत्या की हुई है ना सर? अभी एज ऑफ नाउ सर्टेन नहीं है, बॉडी में इंजरी के निशान तो हैं, तो पीएम रिपोर्ट इसकी एक बार हो जाए तो जो स्टैंडर्ड कार्रवाई है, सारे अधिकारी जो हैं सीनियर अधिकारी भी मौके पर हैं, और उसमें जो सही कार्रवाई की होगी वो की जाएगी, यदि कार्रवाई की जाएगी जल्दी केस का खुलासा किया जाएगा। थैंक यू।